Hello and welcome everyone. My name is Mansi. Today we are going to discuss some current news from the Hindu. जैसे कि आपको पता ही है डेली हम आते हैं करंट न्यूज़ में जो हाईलाइटेड न्यूज़ है उसका डिस्कशन करते हैं. तो आज हमारे न्यूज़ के टॉपिक्स है ये. स्टार्ट करते हैं. बांग्लादेश फ्लड्स नॉट ड्यू टू तिरुपरा डैम. ठीक है, बांग्लादेश में फ्लड्स आए हैं. ठीक है, बट बांग्लादेश के जो फ्लड्स है उसका ओरिजिन तिरुपरा डैम से नहीं है, उसका कॉज तिरुपरा डैम नहीं है. इस आर्टिकल के बारे में और आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे. मोदीज यूक्रेन विजिट लाइकली टू एक्सप्लोर डीपर टाइज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उन्होंने अभी रिसेंटली यूक्रेन में विजिट किया है. तो यूक्रेन में विजिट के क्या स्ट्रेटेजिक टाइज होने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इस ये मीट जो है वो किस पे फोकस करेगा सबसे ज़्यादा वो भी हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. प्रोड्यूस फुल हेमा पैनल रिपोर्ट हाईकोर्ट. हेमा पैनल रिपोर्ट जो हम डेली डिस्कस कर रहे हैं जिसका अपडेट्स मैं देती रहती हूँ आपको, उसके बारे में भी एक अपडेट आया हुआ है, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे आगे. NDMA to monitor 186 high risk glacier lakes to prevent disasters. अब NDMA ने, National Disaster Management Authority ने 198 high risk glaciers जो है उसे monitor किया है, उसे देखा है जिन glaciers में ज़्यादा risk है disaster होने का. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या है ये glacier lakes, क्या है, कैसे बनते हैं ये सब इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. सेंटर स्टेट्स डिस्कस न्यू मैकेनिज्म फॉर गैदरिंग क्रॉप डेटा. अब क्रॉप डेटा गैदर करने के लिए, क्रॉप डेटा की टैली करने के लिए जो है एक नया मैकेनिज्म जो है वो लॉन्च किया गया है सेंटर के द्वारा. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है उसका, क्या है ये पूरा मैकेनिज्म और क्यों इम्पोर्टेंट है ये. ठीक है, लुक एट ongoing इंडियन स्पेस मिशन. इंडिया के स्पेस मिशन्स जो है, ongoing स्पेस मिशन्स के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देगा ये आर्टिकल, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. वॉन्ट FDI बट फॉलोज लॉ ऑफ लैंड गोयल टू ई ट्रेलर्स. जो पीयूष गोयल है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है. किस चीज़ से संबंधित है ये स्टेटमेंट, क्या क्यों दिया है उन्होंने ये स्टेटमेंट, वो आगे पढ़ेंगे हम. थाईलैंड कन्फर्म्स न्यू एमपॉक्स स्ट्रेन फर्स्ट इन एशिया. थाईलैंड में एक नया मंकी पॉक्स का स्ट्रेन जो है वो मिला है. ठीक है, तो वो कितना डेडली होगा, क्या उसके सिम्टम्स है, आगे हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. ये जो केस है वो फर्स्ट इन एशिया है, मतलब एमपॉक्स का जो नया वेरिएंट है वो फर्स्ट इन एशिया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. पैसिफिक रीजन फेसिंग क्लाइमेट एनिहिलेशन सेज यूएन चीफ. यूएन चीफ, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है, उन्होंने ये बताया है कि पैसिफिक रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है एनिहिलेशन फेस कर रहा है. ठीक है, एनिहिलेशन मतलब वो उसका विनाश हो रहा है. ठीक है, क्यों विनाश हो रहा है, क्या है पूरा आर्टिकल हम देखेंगे. प्रेसिडेंट हाई प्रेसिडेंट टर्की कीन्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 2028 ओलंपिक्स. अभी आपको पता है रिसेंटली 2024 के जो ओलंपिक्स है उन्हें वो जो है अभी ख़त्म हुए हैं. तो जो हमारी इंडियन हॉकी टीम है उसे ब्रॉन्ज मेडल मिला है उसमें. ठीक है, तो जो इंडियन हॉकी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 2020 के जो ओलंपिक्स है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. क्या ये स्टेटमेंट है पूरा आर्टिकल में देखेंगे. ठीक है, डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. डिटेल डिस्कशन के पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हेन वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश. अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कल न्यूज़ था. क्या न्यूज़ था कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने जो एजेंट्स है या फिर जो ब्रोकर्स है उनके लिए एक नई पद या एक नई डिग्री जो है वो बताई है कि अगर उन्हें एडवाइजेस देने हैं कौन सा स्टॉक खरीदना है बेचना है उसके लिए उन्हें वो सर्टिफिकेट जो है वो बैर करना पड़ेगा. ठीक है, सर्टिफिकेट बैर करना पड़ेगा उसका, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था. तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1992. ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं. आगे देखते हैं, अंडर
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज पावर टू सब क्लासीफाई शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर पर्पज ऑफ रिजर्वेशन लाइज. अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सब क्लासिफिकेशन के ऊपर हमने कल डिस्कशन किया था, बहुत अच्छा डिस्कशन किया था हमने. क्या था पूरा मामला कि प्रोटेस्ट उठ रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिक्लाइन कर दिया है उनका, जो उन्हें रिजर्वेशन देने की जो बात करी गई थी, सब क्लासिफिकेशन जो किया था उसे डिक्लाइन कर दिया है. उसी से जो आक्रोश है वो थोड़ा जनता में जो है वो बढ़ गया है और वो चाहते हैं कि सब कोटा रिजर्वेशन आए, क्योंकि जो ज़्यादा गरजू है, जो ज़्यादा जेन्युइन है, उन तक जो है रिजर्वेशन के बेनिफिट्स पहुँचे. इस वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट उठाए हैं. तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल बताता है हमें सब क्लासिफिकेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 15. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट डज टर्म सियोमोटो रेफर टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी? अब इंडियन जुडिशरी में सियोमोटो क्या चीज़ को रेफर करता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है सियोमोटो को? कल हमने न्यूज़ में पढ़ा सियोमोटो क्यों न्यूज़ में था, काफ़ी दिनों से न्यूज़ में चल रहा है. एक तो जो कोलकाता डेथ और रेप केस हुआ था उसके मामले में चल रहा है. जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अपने हाथ में फैसला ले लिया था कि हम जो है इसका जजमेंट देखेंगे, इसका जो सुनवाई है वो हम सारी देखेंगे. ठीक है, तो सियोमोटो एक्शन जो है वो पावर देता है हाई कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसे, कि जो ऑन गोइंग जिसमें जो है जल्दी जो इंटरेस्ट जिसमें जो है आपको तुरंत जो है जजमेंट सुनानी है, या फिर जो ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन अगर कोई किसी केस में दिख रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपने हाथ में वो मामला ले लेते हैं और उसकी जजमेंट सुनाते हैं. तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, क्या है अ लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड एक्शन टेकन बाय कोर्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव? ये है सही आंसर. ठीक है, कोर्ट जो है अपना एक्शन लेता है जो भी केस चल रहा है उसके ऊपर, सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो सुनता है, सारे ट्रायल्स जो है वो सुनता है उसके अकॉर्डिंग. अभी चल रहा है कोलकाता डेथ रेप केस जो हुआ था उसके लिए जो है वो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो आज का डिटेल डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं. बांग्लादेश फ्लड्स नॉट ड्यू टू तिरुपरा डैम. अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने थर्सडे को ये बताया है कि बांग्लादेश में जो फ्लड आए हैं, ठीक है, उसका ओरिजिन तिरुपुरा में जो डंबर डैम है वो नहीं है. ठीक है, डंबर डैम कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? गोमती रिवर पे सिचुएटेड है. ठीक है, गोमती रिवर तिरुपुरा में, ठीक है, तो उस पर सिचुएटेड है. मैं मैप में बता देती हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको, ये तिरुपुरा है. ठीक है, उसमें ये जो है ये पूरा गोमती रिवर का जो है वो पाथ है. ठीक है, गोमती रिवर ये बताया है. तो इसमें ये बताया जा रहा है इस कि MEA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, कि जो डैम है वो ओरिजिन नहीं है, डैम के पानी के राइस की वजह से फ्लड्स नहीं आए हैं, वो हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड्स आए हैं. ऐसी कभी कभी जो ऐसे रिवर्स के ऊपर या ऐसे डैम के ऊपर कभी कभी ऐसे उठ जाते हैं क्वेश्चन, जिसके पहले भी आए हुए हैं कि जो डैम, मतलब डैम ओरिजिन नहीं है उसका, बेसिकली ये है पूरे जो आर्टिकल का क्रक्स है. आगे बढ़ते हैं, मोदीज यूक्रेन विजिट लाइकली टू एक्सप्लोर डीपर टाइज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग. अब मोदी जी जो है उन्होंने रिसेंटली जो है यूक्रेन में विजिट किया था. ठीक है, यूक्रेन विजिट ऑन फ्राइडे. तो उनकी जो विजिट है वो जो यूक्रेन और इंडिया के जो टाइज है उसे स्ट्रेंथन करती है. ठीक है, यूक्रेन इंडिया के टाइज स्ट्रेंथन करती है. और फोकस किस पे सबसे ज़्यादा होगा? इंडिया और यूक्रेन के टाइज को फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इंडिया यूक्रेन के डिफेंस जॉइंट प्रोडक्शंस के ऊपर होगा, मिलिट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होगा. ठीक है, इन सारी चीज़ों का ट्रेड किया जाएगा, इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस भी और अच्छे ग्रो होंगे. ठीक है, इससे पहले जो है वो इंडिया सारे डिफेंस के लिए जो भी टूल्स या फिर जो भी डिफेंस के लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स होते थे वो रशिया से लेते थे. तो रशिया का जो पूरा इन्फ्लुएंस है उसे कम करने के लिए इंडिया ने यूक्रेन के साथ में फिलहाल जो है यूक्रेन के साथ में टाइज बनाने की कोशिश करी है. ठीक है, यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस देख लेते हैं.
इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन एज सोवरियन इंडिपेंडेंट कंट्री इन डिसम्बर 1991। ये बैकग्राउंड है पूरा कि कहाँ से इंडिया ने जो है वो यूक्रेन के साथ में जो टाइज है उनका बॉन्ड जो है वो डेवलप करने की कोशिश करी है 1991 दिसंबर में जो है सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद में इंडिया को जो है इंडिया ने यूक्रेन की तरफ देखा सोवियत इंडिपेंडेंट ठीक है सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री के नज़रिए से देखा उनको ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काइव वॉज एस्टैब्लिश ऑन मे 1992 एंड यूक्रेन ओपन्ड इट्स मिशन इन न्यू दिल्ली फेब्रुवरी 1993। इसके ये इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी एम्बेसी जो है वो एस्टैब्लिश करी 1992 में, फिर यूक्रेन ने जो है फेब्रुवरी 1993 में अपनी एक एम्बेसी जो है वो न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश करी थी। डिफेंस रिलेशंस देख लेते हैं। यूक्रेन हैज़ अ सोर्स ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स फॉर इंडिया सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। यूक्रेन मैन्युफैक्चर्स दी R-27 एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है ये याद रखिए ये इम्पॉर्टेंट है। R-27 मिसाइल जो है वो यूक्रेन ने मैन्युफैक्चर करी है इंडिया के लिए, ठीक है। आर इन यूज ऑफ IAF ऑन इट्स नाउ इंडिया इज ऑल्सो सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन टू एनहेंस डिफेंस, ठीक है। अभी थोड़े महीनों पहले, थोड़े एक दो साल पहले जो है वो यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बहुत यूक्रेन के ऊपर जो है वो वॉर किया था, ठीक है। तो उसमें जो है वो इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया था, सपोर्ट दिखाया था, ठीक है। अभी जो है वो इंडिया भी सप्लाई करता है यूक्रेन को वेपन्स, ठीक है। वेपन्स की नीड जो है वो सप्लाई करते हैं और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस चल रहा है। जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड जो एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया यूक्रेन का, वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर यूक्रेन इंडिपेंडेंस जो है 1992 से जो है उनका बॉन्ड एस्टैब्लिश हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया यूक्रेन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डेस्टिनेशन इन एशिया पैसिफिक एंड दी फिफ्थ लार्जेस्ट ओवरऑल एक्सपोर्टर इन डेस्टिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन जो है, यूक्रेन के आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। पिछले साल 2022 में यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन जब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, कोई कंट्री पे इम्बैलेंस चल रहा है, जैसे अभी बांग्लादेश में देखा हमने, ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज़ के थोड़ी बहुत फैक्ट्स, थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यूक्रेन के देख लेते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमेनिया, ठीक है, ये बेलारूस, ये रशिया, यहाँ से है, ठीक है। ये सारे जो है वो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये पता होने चाहिए आपको, ठीक है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोड्यूस फुल हेमा पैनल रिपोर्ट, ठीक है। अब हेमा पैनल रिपोर्ट के में क्या अभी आया है नई न्यूज़ कि हेमा कमेटी जो है, जो 2017 में सेटअप हुई थी, क्यों सेटअप हुई थी कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो है काफ़ी जेंडर बायसनेस देखी जा रही थी, ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस जो है वो बाहर आ रहे थे। बट इस में अब तक जो है, ठीक है, 2017 में वो राइज हुए थे ऐसे इशूज़, बट 2017 से लेके अब तक जो है, अभी तक कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है, एक भी FIR जो है वो लॉन्च नहीं हुई है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सोसाइटल प्रेशर की वजह से कभी कभी बाहर नहीं आ पाती है, वुमेन आवाज़ नहीं उठा पाती है, ठीक है, उनका नाम डिस्क्लोज ना हो, ठीक है, उनकी सिक्योरिटी का इशू बन जाता है, इस वजह से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे केसेस बाहर नहीं आ पाते। बट एक कमिटी सेटअप करी गई थी, ठीक है, जिसका जो हेमा कमेटी थी वो सेटअप करी गई थी, जिसे लीड कर रहे थे जस्टिस के हेमा, ठीक है, वो लीड कर रहे हैं इसको। तो अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो है वो इन्हें बोला है कि आपकी जो रिपोर्ट है उसे पब्लिक करिए, ठीक है, बट पब्लिक नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ठीक है, इस वजह से ये पब्लिक नहीं कर पा रहे, प्राइवेसी इश्यूज की वजह से नहीं कर पा रहे। तो ये आज न्यूज़ में इस वजह से है कि जो
जो वुमेन है जिन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी है, उनका उनके लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाने की कोशिश करनी चाहिए, करनी होगी, जिसमें कि ऐसी जो केसेस होती है जहां पर बाहर नहीं आ पाते हैं विक्टिम्स, तो उसमें या फिर वुमेन नहीं आ पाते हैं बाहर, बट मतलब उनके साथ में हुआ होता है हरासमेंट, बट वो नहीं ला पाती है बाहर या फिर नहीं आ पाता है बाहर, तो उनका जो प्राइवेसी मैनेज करना, प्राइवेसी मेंटेन करके भी जो है हम उस केस को जो है उनको जस्टिस दिला सके, ऐसा कुछ जो है इनिशिएटिव लेने की कोशिश करने के लिए आज ये आर्टिकल न्यूज़ में है। ठीक है, ये इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं। NDMA टू मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स। अब NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स को जो है वो मॉनिटर किया है, उन्हें देखा है। तो उसमें क्या है ना कि बेसिकली ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जब ग्लेशियर्स जो होते हैं, ठीक है, हिमालयन पार्ट के जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब एक बड़ा सा चंक उसे टूट के अलग होता है और वो अलग होके ज़मीन के हिस्से को जो है वो कट करता है, और उसके बाद जो ज़मीन के हिस्से को कट किया हुआ होता है, जैसे दिख रहा है आपको ये जो है एक ज़मीन का हिस्सा जो है उसे कट किया है, और वहीं पर जो है वो पिघलने लगता है, पिघल के जो है पानी पूरा भर जाता है यहाँ पर, तो वो ग्लेशियर लेक फॉर्म करता है। ठीक है, इन ग्लेशियर लेक की वजह से क्या होता है, रेनफॉल की वजह से जो है अब पानी बरस रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भरेंगे, इसका लेवल जो है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो हाई रिस्क जो है वो माने जाते हैं ये, जो हाई रिस्क वाले जो है जिनसे डिज़ास्टर जो है वो हो सकता है, उन्हें अभी शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके ऊपर जो है एक इनिशिएटिव या फिर कुछ लिया जाएगा कि डिज़ास्टर जो है वो प्रिवेंट कर सके। ये है पूरे न्यूज़ का क्रक्स। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जान लेते हैं। इंटेंसिफाई एफर्ट टू मॉनिटर एंड मिटिगेट रिस्क फ्रॉम, ये न्यूज़ में है, 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है, आउट ऑफ नियरली 7500 ग्लेशियर लेक्स 189 हैव बीन आइडेंटिफाइड एज पर्टिकुलरली डेंजरस। ठीक है, 7500 ग्लेशियर लेक्स के में से जो 189 लेक्स जो है उसे हाई रिस्क पे माना गया है, जिसमें से डिज़ास्टर जो है वो हो सकता है, डिज़ास्टर अकर हो सकता है। द NDMA इन कोलैबोरेशन विद स्टेट एजेंसीज एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स हैव स्टार्टेड एक्सपेंडिचर टू दिस लेक्स फॉर हैजार्ड्स असेसमेंट एंड डेटा कलेक्शन मिटिगेशन एफर्ट्स। द गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड 150 करोड़ फॉर नेशनल ग्लेशियर आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया है, नेशनल ग्लेशियर आउटब्रेक फ्लड मिटिगेशन प्रोग्राम, जिसे 150 करोड़ जो है इसका फंड दिया गया है, ताकि जो हाई रिस्क जो ग्लेशियर लेक्स है उन्हें जो है वो ऐसे बना सके, ये ऐसे डेवलप कर सके, इस वजह से कि रिस्क जो है उसका उनका कम हो जाए कुछ डिज़ास्टर होने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लेक्स जो है हाई रिस्क लेक्स कहाँ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और थोड़े बहुत जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के इलाके जो है वहाँ पर भी ये लेक्स है, उनमें से जो है वो 189 लेक्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, NDMA के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। NDMA वॉज फॉर्मरली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 सितंबर 2006। ईयर आपको याद रखना है, ईयर बहुत ज़रूरी है, 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था NDMA। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत हुआ था, अकॉर्डिंग्स विथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत हुआ था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन थे इसके मैंडेट। इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर एंड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन डिजास्टर रिसाइलेंसी एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि
जो डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट पर फोकस करना सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव है एनडीएमए का, ठीक है. ह्यूमन मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि माइनिंग से अर्थक्वेक अगर कॉज हो गया, ठीक है, ऐसे जैसे लैंडस्लाइड हुआ था उसमें भी एनडीएमए जो है वो न्यूज़ में था. विजन टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रिसाइलेंट इंडिया बाय होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इनका विजन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. नेक्स्ट आर्टिकल क्या बताता है हमें, लुक ऑन एट ऑनगोइंग इंडियन स्पेस मिशंस. अब इंडिया में बहुत सारे स्पेस मिशंस जो है वो कैरी आउट होते हैं, तो उनके ऊपर एक ब्रीफ ओवरव्यू हम देखेंगे. इंडिया हैज़ सेवरल सिग्निफिकेंट ऑन गोइंग अपकमिंग स्पेस मिशन एज अ पार्ट ऑफ स्पेस एक्सपोजर. चंद्रयान 3 आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन मून, दिस मिशन कंटिन्यूज टू गैदर डेटा फ्रॉम लूनार साउथ पोल. ठीक है, चंद्रयान 3 लूनार साउथ पोल से अभी तक जो है वो डेटा गैदर कर रहा है, ठीक है, मेकिंग इंडिया फर्स्ट कंट्री टू अचीव दिस फीट. ठीक है, इंडिया को इसने फर्स्ट कंट्री बनाया है ये अचीवमेंट पे. ठीक है, आदित्य L1 शेड्यूल्ड फॉर लॉन्च इन सितंबर 2014. आदित्य L1 जो है वो 2024 में जो है, सितंबर 2024 में जो है वो होगा अभी लॉन्च. ठीक है, उसका मेन मिशन क्या है, दिस मिशन विल स्टडी सन्स आउटर एटमॉस्फियर एंड सोलार विंड्स. ठीक है, सन का आउटर एटमॉस्फियर और सोलार विंड्स को जो है स्टडी करना इस आदित्य L1 का सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा टारगेट है. इट एम्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वेदर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अर्थ. ठीक है, स्पेस वेदर और उसका इम्पैक्ट अर्थ पे क्या है ये स्टडी करवाता है. गगनयान मिशन, इंडियाज फर्स्ट मैंड स्पेस मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर 2024, मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन एफर्ट. ठीक है, इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट मैंड स्पेस मिशन कौन सा है, गगनयान मिशन. ये ब्रीफ फैक्ट्स है, वो पता होने चाहिए आपको बिकॉज ये न्यूज़ में है. ठीक है, कौन सा मिशन किससे रिलेटेड है, क्या उसमें होने वाला है, ब्रीफ ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा काफ़ी है वो. निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रैडर अ कोलैबोरेटिव कोलैबोरेशन विथ नासा. दिस डुअल ब्रांड रेडार इमेजिंग सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड इन 2024 टू स्टडी चेंजेस इन अर्थ सर्फेस प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डेटा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. अब निसार क्या है, निसार एक रेडार सैटेलाइट है जिसे जो है 2024 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, किया जाएगा लॉन्च. उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्थ को और अर्थ के सरफेस को स्टडी करना. ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए जो है ये स्टडीज जो है वो बहुत काम आएंगी. रिस्तार आईबी, ठीक है, ये और एक दो है, ये जो है इसका ब्रीफ आपको ओवरव्यू होना चाहिए कि कौन सा मिशन किसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये पता होना चाहिए. बस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है मैच द पेयर्स में कि विच मिशन मिशन का ऑब्जेक्टिव और मिशन का नाम लेके. ठीक है, वांट एफडीआई बट फॉलोज लॉ ऑफ लैंड गोयल टू ई टेलर्स. अब जो गोयल जी है, पीयूष गोयल, ठीक है, पीयूष गोयल ने क्या कहा है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उसे जो है वो नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, स्पेशली जो एफडीआई के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट के जो नॉर्म्स है उसे फॉलो करना पड़ेगा. रूल्स को जो है मतलब स्ट्रिक्टली उन्हें एडवाइस किया है, स्ट्रिक्टली उन्हें बताया गया है कि रूल्स जो है वो फॉलो होने चाहिए. ठीक है, ये इसका फिलहाल क्रक्स है. आगे बढ़ते हैं, थाईलैंड कन्फर्म्स न्यू एम्पॉक्स स्ट्रेन इन फर्स्ट इन US. अब थाईलैंड ने जो है अपना पहला जो एम्पॉक्स का जो स्ट्रेन है वो कन्फर्म किया है, नया स्ट्रेन जो है वो कन्फर्म किया है, जो सबसे पहला केस है पूरे एशिया में. ठीक है, ये आ सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में. जो इसका नाम जो है, नाम है CLAD IB. ठीक है, CLAD 1B.
ठीक है, ये नया जो स्ट्रेन है वो एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। ये जो स्ट्रेन जो बताया जा रहा है कि अभी नया स्ट्रेन एमपॉक्स का निकला है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका हाई रिस्क पे है ये, क्योंकि जो इसकी ट्रांसमिट होता है ये, ठीक है, क्लोज़ कॉन्टैक्ट से बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो सकता है। इस वजह से ये न्यूज़ में है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और WHO ने जो है इसके ऊपर जो है पहले ही गाइडलाइंस जो है वो बता दी है, पहले ही जो हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है, एक इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया है इसको, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल इमरजेंसी। आगे बढ़ते हैं, पैसिफिक रीजन फेसिंग क्लाइमेट एनिहिलेशन सेज UN चीफ, ठीक है। अब UN चीफ ने ये बोला है, UN के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने बोला है कि जो पैसिफिक रीजन के जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, पैसिफिक आइलैंड्स जो है वो हाई रिस्क पे है, किसके, एनिहिलेशन के, ठीक है। एनिहिलेशन मतलब एक तरह से विनाश होना होता है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है, उनका विनाश हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कि क्लाइमेट चेंज और जो बढ़ते साइक्लोन्स जो है, साइक्लोन्स, बढ़ते हुए साइक्लोन्स, सी लेवल के राइज के वजह से जो है इन आइलैंड्स का या फिर पैसिफिक रीजन का जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है, इसका जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। पैसिफिक रीजन जो है वो 0.02% जो है कॉन्ट्रीब्यूट करता है अपना ग्लोबल वार्मिंग में, तो इस वजह से 0.02% कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ है कि उन्होंने बताया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें जो जो टारगेट अचीव किया था 1.5 टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए बोला गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो जो है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है। अगर वो अचीव नहीं करेंगे तो फिर एनिहिलेशन पॉसिबल हो सकता है पैसिफिक रीजन के जो आइलैंड्स है उनका, तो इस वजह से बोला गया है। और दूसरा जो वेल्दी नेशंस है उनको भी हेल्प के लिए बोला है कि अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है अगर होएगी तो मतलब अगर ज़रूरत होगी तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप प्रोवाइड करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट तिर्के कीन्स टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर 2028 ओलंपिक्स। अब 2024 ओलंपिक्स में हमने देखा कि इंडिया की जो हॉकी टीम थी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। अपकमिंग जो आने वाला है, पिछला 2024, अभी जो 2024 गया है उस, वो पेरिस में हुआ था ओलंपिक्स, 2028 वाला जो ओलंपिक्स होने वाला है वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग क्या बोला है हॉकी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने, हॉकी इंडिया टीम के जो कोच और प्रेसिडेंट है उन्होंने, कि हम प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें जो है वो क्वालिफाई करना है और अचीव करना है गोल्ड मेडल, ठीक है। ये इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये हॉकी टीम के मेंबर्स है, ठीक है। तो इसका ये क्रक्स है, ये चीज़ काफ़ी सीखने वाली है इसमें कि जो अभी मतलब एक अचीवमेंट अभी करी है और अगले अचीवमेंट के लिए तुरंत ही तैयारी स्टार्ट कर दी है इन्होंने, तो ये काफ़ी काफ़ी मोटिवेशनल और अच्छा चीज़ है, ये हमें भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज के आर्टिकल्स जो है काफ़ी ब्रीफ स्टडी करी है हमने आर्टिकल्स की, काफ़ी अच्छा जो है वो आर्टिकल का डिस्कशन हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो भी आप ध्यान रखिए, अगर कोई आर्टिकल समझ नहीं आया है तो पीछे जाके एक बार आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं फिर से वो आर्टिकल का, ठीक है। आज के आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया स्पेस मिशन, ठीक है। अब इंडिया के स्पेस मिशन के ऊपर हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि स्पेस मिशन्स जो है वो कौन से ऑनगोइंग चल रहे हैं अभी, उसके ऊपर ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रयान टू एम्ड टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ मून एंड इंक्लूडेड एन ऑर्बिटर अ लैंडर एंड रोवर। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन एंड मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मैरिटाइम ऑर्बिट। गगनयान इज इंडियाज फर्स्ट क्रूड मिशन इंटेंडेड टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून, ठीक है। अब इन तीनों में से
सही बताना है आपको कि क्या कौन सा मिशन और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मिशन और उसका ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है वो आपको बताना है इन इन ऑप्शंस को टिक करके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या है इसका आंसर। ग्लेशियर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स भी हमने देखा अभी न्यूज़ में है, ठीक है, 189 ग्लेशियर लेक्स जो है वो शॉर्टलिस्ट किए हैं जो हाई रिस्क पे है, ठीक है। ग्लेशियर लेक्स आर प्राइमरीली फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आर टिपिकली फाउंड इन माउंटेन रीजन। ग्लेशियर लेक्स कैन पोज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट ड्यू टू पोटेंशियल फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स विच कैन कॉज डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग एंड डैमेज। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर लेक इज डिक्रीजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड रिड्यूस ग्लेशियर मेल्ट। इन तीनों में से ग्लेशियर लेक्स के लिए कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको बताना है, कौन से सही है इन तीनों में से आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया यूक्रेन रिलेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया। इंडिया एंड यूक्रेन हैव अ bilateral agreement on cooperation in field of nuclear energy. Ukraine is a significant export of agriculture products, especially sunflower oil to India. इन तीनों में से इंडिया और यूक्रेन के रिलेशंस के बारे में आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से रिलेशंस जो है वो सही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चंस ये ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। कोई आप टॉपिक पढ़ लेते हो उसके बाद में उसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछो तो फिर वो रिवाइज हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि क्या आपने सही प्रिपरेशन करी है उस टॉपिक की। तो ज़रूर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, अपने आप को टेस्ट करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोमती रिवर इन तिरुपरा। गोमती रिवर जो है उसके लिए ये उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। गोमती रिवर इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन स्टेट ऑफ तिरुपरा। द ओरिजिन ऑफ गोमती रिवर इज इन तिरुमुख हिल्स एंड फ्लोज through the Udaipur district. Gomti river is considered sacred and associated with several important religious sites in Tirupara including Tripura Sundari temple. ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट जो है उसमें से बताना है कि गोमती रिवर जो त्रिपुरा में है उससे कौन सा सबसे स्टेटमेंट सिमिलर है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका क्वेश्चन का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आज काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमने किया टॉपिक्स का। टॉपिक्स एक और बार आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर पढ़िएगा इसके लिए, और जो आज के जो न्यूज़ में है काफ़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स थे, ज़रूर उसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।